नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बिहार विजय के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। लेकिन बंगाल की सियासत को समझने वाले इस बात से ठीक से वाकिफ हैं कि बंगाल में सियासत का मतलब हिंसा, हत्या और दंगे हैं। बंगाल में बम और बल के बूते राजनीति करने और चमकाने की रवायत है। बंगाल पुलिस कितनी असहाय है वो इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के सामने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया गया। पत्थरबाजी की इस घटना में कई लोग जख्मी हुए। बंगाल के सियासी खेल को समझने के लिए बंगाल का रक्त चरित्र भी समझने की जरूरत है। अगले आधा घंटे लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बंगाल चुनाव में जीत के मायने क्या हैं और क्यों इस बार का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए बीते तमाम चुनाव की तरह कतई आसान नहीं रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन था कि प्लांड वे में ही अटैक किया जाए और पुलिस के सामने ये हुआ। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया। बंगाल में 2021 का रण, चुनाव से पहले युद्ध भीषण, पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। बंगाल में सियासत की सबसे डरावनी तस्वीर। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हाँ, आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हम में ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं। बंगाल में राजनीति जान का खतरा। क्या बीजेपी का मिशन 200 प्लस रहेगा अधूरा? चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चलता। ममता के गढ़ में बीजेपी की हुंकार। अंतिम छलांग के लिए बीजेपी तैयार। बंगाल से जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत डराने वाली हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ जिसमें कई लोग जख्मी हुए। जी हां, जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस हादसे के बाद बंगाल पुलिस ने सफाई दी है कि हादसे में किसी को भी चोटें नहीं लगी हैं। हालांकि तस्वीरों की कहानी इसके ठीक उलट है। बंगाल का सियासी खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी के सीनियर लीडर और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों के जरिए बड़ा हमला किया गया। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें देखी। तस्वीरें डराने वाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो चुका है। हमला इतना खतरनाक था कि पत्थर शीशा तोड़कर गाड़ी के भीतर जा घुसा। इस हमले में कुछ लोग जख्मी भी हुए। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है, तो पुलिस की उपस्थिति में गुंडे
अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। पत्थरबाजी की इस घटना में विजयवर्गीय उनके स्टाफ ने मुश्किल से खुद को बचाया। विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर तब फेंके गए जब वो दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को भी बंद करने की कोशिश की जिससे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूँ। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडावाद, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मंगा ये आपकी सरकार जाने वाली है और समझ चलने वाला है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाए कि सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूट जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नष्ट-नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए जेपी नड्डा को बुधवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की ओर से कथित रूप से काले झंडे भी दिखाए गए थे। नड्डा जब पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ये आज का हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपके ताबूत में आखिरी कील होगी। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के जमीर को ललकारा है आपने, और वो जमीर का जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको देने वाली है जनता भी और भाजपा भी। इससे पहले बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल से पार्टी के बैनरों को फाड़ा भी गया। घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और उनके काफिले को कुछ नहीं हुआ। देवीपुर फाल्टा डायमंड हार्बर में कुछ लोगों ने अचानक काफिले के पीछे चलने वाले वाहनों पर पत्थर फेंके। सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। वास्तविक घटनाओं का पता लगाने के लिए मामले की जाँच की जा रही है। देश में सरकार में काबिज जो पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार बदतमीजी किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर जिस पर लापरवाही किया जा रहा है, तो इससे क्या उम्मीद किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही बोला है, और बंगाल की संस्कृति इस प्रकार नहीं है। कोई अतिथि आए और देश के नागरिक को इस प्रकार दुश्मन जैसा ट्रीट किया जाए, ये निंदनीय है। हालांकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया था। इस हादसे में 7 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सरकार की कल्याणकारी नीतियों और पिछले 10 साल में किए गए विकास कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने टीएमसी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पार्थ चटर्जी ने कहा है कि ममता सरकार के जरिए पिछले 10 साल के दौरान शुरू की गई योजनाओं से बड़ी तादाद में लोगों को फायदा हुआ है। चटर्जी ने यह भी कहा है कि पार्टी नेता राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। चटर्जी यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि टीएमसी ने 2011 में सत्ता में आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित पैसे को 13,872 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 37,069 करोड़ रुपए कर दिया है। तो वहीं अगले साल यानी कि 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बंगाल की सियासत बिना हिंसा, हत्या और दंगों के पूरी परवान नहीं चढ़ती।
बीते शनिवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबानी जंग बमबाजी में तब्दील हो गई। इस घटना में 7 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। वर्धमान के आसनसोल से आई ये तस्वीरें बंगाल की सियासत का असली चेहरा दिखाती है। सियासत की तस्वीर डराने वाली। लेकिन दशकों से बंगाल इसी तरह की सियासत का आदी रहा है। यहाँ बम, बल और हत्या के बूते ही सरकार गिरती और बनती है। बंगाल की पुलिस उसी वैधानिक चेतावनी जैसी है जिसको पढ़ने के बाद भी हमारा आप अनदेखा कर देते हैं। एक बार फिर से बमबाजी की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। तस्वीर में दर्जन भर लोग बेतहाशा बम और पत्थर चला रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि उनकी ये बहादुरी न जाने कितनों की जान ले लेगी। हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हाँ आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हम में ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं, पर हमें हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल में शनिवार को भी इस हिंसक वारदात में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। बीजेपी के स्थानीय नेता लेखन घुरोई ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने फायरिंग की और बम फेंके जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस से मदद मांगने के बावजूद भी वो आगे नहीं आए। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है। भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी पर इस हिंसा का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की रैली थी जिसमें वो बम लेकर आए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमला कर दिया, हम इसकी आलोचना करते हैं। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा जोर पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने दम लगाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव कई मायनों में अहम हैं, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो गई है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तपस सिंह गुप्ता के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। अब बंगाल चुनाव से ठीक पहले सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतने वाले ओबीसी की पार्टी की। इस बार ओबीसी बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री से ममता को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। कभी ममता को शिखर तक पहुंचाने वाले मुस्लिम वोटर कैसे इस बार उनकी मुसीबत बढ़ाने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। ममता अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के बूते 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान से तमाम समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका खेल बिगाड़ेंगे? क्या इससे बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी? तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने को खास तवज्जो नहीं दी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कहा कि उसे बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए AIMIM या किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तमाम दल ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों की गांठ के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर, राजनीति की भी एक हद होती है। और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो, बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनावों से पहले गठजोड़ का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं। बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तरह से धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन तेज हुआ है, उसमें ओवैसी की मौजूदगी खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है। ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, लाख टके के इस सवाल का जवाब तो चुनावों के बाद मिलेगा। लेकिन राज्य में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना बेहद अहम है। दो हजार ग्यारह की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01% मुस्लिम थे। अब यह आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद ये लोग धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो गए। 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता को सत्ता मिली। लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहाँ चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाईकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर कोल माफियाओं को संरक्षण देना, सेंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी। और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। कुल मिलाकर इस प्रदेश को बचाना है अगर, तो हमें ममता जी से और भाई को से इस प्रदेश को बचाना पड़ेगा, उन्हें अपदस्थ करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की चुनावी जीत के लिए मुस्लिम वोटों का बंटना बेहद अहम है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कहते हैं, हमें बंगाल में जीतने के लिए किसी बी या सी टीम की जरूरत नहीं है, पार्टी अपने बूते यहां 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि बीजेपी, टीएमसी और ओवैसी के ट्रायंगल पॉलिटिकल फ्रंट से मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे और जातिगत वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो भाई, बीजेपी के बंगाल प्रभारी और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। बंगाल की सियासत को समझने वाले जानकार कहते हैं कि CAA का मुद्दा बंगाल चुनावों में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। 200 प्लस का विजन लेकर चल रही बीजेपी वोटर्स को अपने पाले में करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनवरी तक सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। CAA बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। CAA बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने दो बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं, हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। उधर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री शुभेंदु सरकार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। ममता ने दो टूक कहा, जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, हम पार्टी विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। शुभेंदु पश्चिम बंगाल की सियासत के बड़े चेहरे हैं और उनका लंबे वक्त से पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विवाद चल रहा है और ये बात तय है कि शुभेंदु का TMC से अलग होना ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शाम शुभेंदु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को कड़ा संदेश जरूर दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा, ऐसे लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, उन्हें मैं साफ करना चाहती हूं कि वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए आजाद हैं। हालांकि शुभेंदु ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी में कब शामिल होंगे, लेकिन TMC ये मानकर चल रही है कि शुभेंदु अब पार्टी में नहीं है। सूत्रों की माने तो TMC ने शुभेंदु के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए। तो इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वाकई पश्चिम बंगाल की जनता ममता को इस बार ममता के तौर पर देखती है या किसी और तौर पर।